फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इस बीमारी को सिर्फ बुजुर्गों से ही जोड़कर देखा जाता था, लेकिन पिछले एक दशक से ये बीमारी काफी यंग और फिट लोगों में भी देखी जा रही है। आजकल की व्यस्त जीवन शैली, अनियमित खान पान, जंक फूड का सेवन, स्मोकिंग और शराब जैसी आदतें हार्ट अटैक के खतरे को काफी बढ़ा रही हैं। पूरे वर्ल्ड में ज्यादातर मौतों का कारण हार्ट अटैक ही बन रहा है। आपको बता दें, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हार्ट अटैक को एक साइलेंट किलर माना गया है। भारत के लिए अपने आप में ये चौंकाने वाली बात है कि पूरी दुनिया में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हार्ट अटैक क्यों आता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि आखिर इसके क्या कारण हो सकते हैं। हार्ट अटैक आने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल सबसे मेन कारण माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप्स का होता है, LDL और HDL। HDL यानी हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करके रखता है। दूसरा है LDL यानी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है। हमारा दिल, जो हमारी बॉडी के सभी अंगों तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और ब्लड की सप्लाई करता है, और ये ब्लड जिन वेसल्स में बहता है उन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये आर्टरीज 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसमें ये बैड कोलेस्ट्रॉल सबसे इनर और मिडिल वॉल पर जमने लगता है, और जिसे प्लाक कहते हैं। और जब ये प्लाक बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो ब्लड वेसल की ये इनर वॉल फट जाती है और ये प्लाक ब्लड वेसल के अंदर यानी कि ल्यूमेन में पहुंच जाता है, जिससे कि आर्टरीज में ब्लड फ्लो डिसरप्ट होने लगता है और धीरे धीरे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जिससे होता यह है कि टिश्यू को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल पाता है, और जिसके कारण दिल की कुछ सेल्स डैमेज हो जाती हैं और जिससे हार्ट काम करना बंद कर देता है। जैसे ही हार्ट पंप करना बंद करता है, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल, तो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। मेडिकल की भाषा में इसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। हार्ट अटैक का अन्य कारण हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट पर बहुत ही प्रेशर पड़ता है, इससे कोरोनरी आर्टरीज में बहने वाला ब्लड बहुत तेजी से फ्लो होता है, जिसके कारण आर्टरीज की वॉल पर बहुत प्रेशर पड़ता है। इस तरह ये आर्टरीज रप्चर हो जाती है, इससे हार्ट का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, जो कि हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है। इसका नेक्स्ट कारण होता है मोटापा और स्मोकिंग। स्मोकिंग और शराब का सेवन करने वालों में हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मेंटल स्ट्रेस। लोग रोटेशनल शिफ्ट में कार्य करते हैं, तो इसकी वजह से उनके खाने और सोने की टाइमिंग चेंज हो जाती है, जिससे वो तनावपूर्ण कार्य करते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में लंबे समय तक तनाव से गुजरते हैं, वे दिल के दौरे के जोखिम का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके लक्षण की। आखिर कैसे जाने कि ये समस्या हार्ट अटैक की हो सकती है। हार्ट अटैक आने से पहले हमारी बॉडी कुछ संकेत देती है, जैसे व्यक्ति के सीने में दर्द, बाएं हाथ में दर्द या बेचैनी, या किसी प्रकार दिल में दबाव का महसूस होना, बहुत ज्यादा ठंडा पसीना आना, अचानक चक्कर आना, जैसे कि व्यक्ति के सीने में दर्द, ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको छाती में किसी प्रकार की असहजता के साथ सीने में बेचैनी हो रही है, तो यह हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। इसके अलावा दिल की धड़कन का बढ़ना या कम होना, अगर आपका दिल सामान्य से कुछ सेकंड के लिए तेजी से धड़क रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्टेशन की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप समय से पहले इन सभी लक्षणों को जान लेते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, गंभीर समस्या से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।